दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। यूपी में पारदर्शी एलपीजी सिलेंडर लॉन्च, सीएम योगी ने कहा जनता को मिला नया विकल्प। जी हम बात करेंगे दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर इंडियन ऑयल के नए युग की कंपोजिट सिलेंडर का शुभारंभ किया। उन्होंने इस कंपोजिट सिलेंडर के लिए इंडियन ऑयल को बधाई देते हुए कहा कि इस सिलेंडर से जनता को एक नया विकल्प मिलेगा। आपको बता दें कि लखनऊ वासियों के लिए ये सिलेंडर उपलब्ध हो चुका है और इनके अलावा जनपद गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज तथा वाराणसी में भी जनता को इस पारदर्शी फाइबर युक्त सिलेंडर का लाभ मंगलवार से मिलने लगेगा। और इस अवसर पर इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक व राज्य प्रमुख डॉक्टर उत्तीय भट्टाचार्य ने पहला 10 किलोग्राम कंपोजिट सिलेंडर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि फाइबर से बना होने के कारण ये स्टील सिलेंडर की तुलना में करीब 50% हल्का, सुविधाजनक एवं जंग रोधक है। पारदर्शी होने के कारण उपभोक्ता सिलेंडर में एलपीजी की मात्रा का भी अवलोकन कर सकेंगे और इससे उन्हें अचानक से एलपीजी खत्म होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे समय से रिफिल ऑर्डर कर सकेंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत को बताया कार्यकर्ताओं की जीत, बोले नफरत के खिलाफ लड़ते रहो। जी हम बात करें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की 3 सीटों और विभिन्न राज्यों में विधानसभा की 29 सीटों के लिए हुए उपचुनावों में पार्टी को मिली शानदार सफलता पर खुशी जाहिर की। राहुल गांधी ने कुछ राज्यों में मिली इस जीत को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत करार दिया और कहा कि वे नफरत के खिलाफ लड़ते रहे। बता दें कि कांग्रेस ने हिमाचल में बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। मंगलवार को उपचुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस की हर जीत हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, डरो मत। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव में जीत हासिल की है और इसके साथ ही उसे हिमाचल प्रदेश की 3, राजस्थान की 2, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 1-1 विधानसभा सीट पर भी जीत मिली है। आज से देश में लोगों को घर घर जाकर लगेगी कोरोना वैक्सीन, हर घर दस्तक अभियान होगा शुरू। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार मंगलवार को धनवंतरी दिवस के अवसर पर कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के खिलाफ हर घर दस्तक मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। महीने भर चलने वाले घर घर टीकाकरण अभियान का उद्देश्य खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में पूरी आबादी को टीका लगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में है, COP26 जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत लौटते ही एक COVID-19 समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस समीक्षा बैठक कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों, उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां पहली खुराक पर 50% से कम कवरेज और दूसरी खुराक पर भी कम कवरेज है। पिछले सप्ताह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक COVID-19 समीक्षा बैठक के बाद केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए हर घर दस्तक अभियान के बारे में मीडिया को जानकारी दी। महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में अजीत पवार से जुड़ी 1,000 करोड़ की संपत्ति सीज। जी हम बात करेंगे, अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि आयकर आईटी विभाग ने महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी लगभग 1,000 करोड़ रुपए की विभिन्न संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। अधिकारी के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में एक सहकारी चीनी कारखाना भी शामिल है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के दौरान पिछले महीने लगभग 184 करोड़ की हिसाब आय की खोज के बाद इनकम टैक्स विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी और पिछले महीने पवार की बहनों के स्वामित्व वाले घरों और फर्मों पर कर तलाशी ली गई थी और तलाशी और छापेमारी का जवाब देते हुए पवार ने जोर देकर कहा था कि उनसे जुड़ी सभी संस्थाओं ने नियमित रूप से करों का भुगतान किया है। और 62 वर्षीय एनसीपी नेता ने पिछले महीने संवाददाताओं से कहा कि हम हर साल कर का भुगतान करते हैं, चूंकि मैं वित्त मंत्री हूं इसलिए मुझे वित्तीय अनुशासन की जानकारी है, मुझसे जुड़ी सभी संस्थाओं ने टैक्स चुकाया है। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद पंजाब की सियासत में हलचल तेज, कांग्रेस चन्नी सरकार को लेकर सांसद में। जी आपको बता दें कि
अमरिंदर सिंह के नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने की घोषणा से राज्य में सियासी समीकरण में बदलाव की हलचल भी तेज होगी और अब सबकी नजर कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे कांग्रेस नेताओं और विधायकों पर टिक गई है। कैप्टन कैंप पंजाब के करीब 2 दर्जन विधायकों के अमरिंदर सिंह के संपर्क में होने का दावा करता रहा है और ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प भरा होगा कि कितने कांग्रेस के विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आते हैं। जी आपको बता दें जाता है कि कैप्टन अमरिंदर के साथ कांग्रेस के कई नेता जल्द ही सामने आएंगे और इसके साथ ही कैप्टन की शिरोमणि अकाली दल से अलग हुए सुखदेव सिंह ढींडसा सहित अन्य नेताओं से भी बातचीत होगी और संकेत है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के बैनर तले विभिन्न गुटों को एकजुट कर सशक्त चौथा मोर्चा बनाने की है। कैप्टन अमरिंदर के कैंप के दावे के मुताबिक 2 दर्जन कांग्रेस विधायक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आते हैं तो राज्य की चरणजीत सिंह चिन्नी सरकार के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। कांग्रेस राज्य में पहले ही पार्टी के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच खींचातानी से परेशान है। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी की सरकार पर विपक्षी नेताओं की तरह हमले कर रहे हैं और इससे कांग्रेस के लिए पंजाब में राह बेहद कठिन होती दिख रही है। केरल में धार्मिक कारणों के चलते 2300 टीचर्स ने नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन। जी आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन चल रहा है लेकिन कुछ जगहों पर लोग भ्रम के चलते वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं और ऐसी ही एक चौंकाने वाली खबर केरल से सामने आई है। केरल में 2300 शिक्षकों और 300 गैर शिक्षण कर्मचारियों ने धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया और वे सरकार द्वारा भी इन्हें छूट देने पर विवाद खड़ा हो गया है और कुछ समूह ने चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए वैक्सीन से दूरी बना रखी है लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बहाने ज्यादातर अस्थिर होते हैं और विज्ञान की भावना के खिलाफ होते हैं। केरल सरकार ने वैक्सीन ना लेने वाले शिक्षकों को छूट दी है। सरकार ने कहा है कि उन्हें पहले 2 सप्ताह तक स्कूल नहीं आना चाहिए और कुछ समय के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखनी चाहिए जिसके चलते वे घर पर ही रहें। केरल में ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब अन्य राज्यों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक समूहों ने अनुयायियों को टीका लेने के लिए कहा है। अमेरिका, इजराइल, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई आदि में प्रमुख धार्मिक परंपराओं, संप्रदायों और संस्थाओं द्वारा टीकाकरण का विरोध झेलना पड़ा था लेकिन अब उन संप्रदायों और संगठनों ने लोगों को वैक्सीन लेने की सलाह दी है। भाजपा नेता का विवादित बयान, देश में इस्लाम तलवार के बल पे आया और बंगाल टीएमसी में लोग तलवार के बल पे जा रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा के कद्दावर नेता और विधायक पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बंगाल समेत अन्य राज्यों में टीएमसी का हाथ थामने वाले नेताओं ने भाजपा की मुश्किल बढ़ा दी है। भाजपा नेताओं की पार्टी से बगावत करने पर मध्य प्रदेश में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा और यही कारण है कि उन्होंने इंदौर में एक बार फिर विवादित बयान दे डाला है। जी आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एक एक आदमी पर 40-50 केस दर्ज कर दिए गए हैं। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, उनके ऊपर 120 केस हैं, उन पर हत्या, डकैती से लेकर भ्रष्टाचार तक के फर्जी केस उन पर लगा दिए गए हैं। हमारे प्रचारक को भी केस में उलझा दिया। जी आपको बता दें कि इस प्रकार जब प्रदेश सरकार लोगों को किल करने के पर लगी हुई तो आम आदमी वहां कैसे जी पाएगा। इसलिए जो भी टीएमसी में जा रहा है वो तलवार के भय से जा रहा है। देश में जैसे इस्लाम तलवार के बल पर आया उसी प्रकार बंगाल में टीएमसी में लोग तलवार के बल पर जी रहे हैं। अंत में विजयवर्गीय ने कहा, ये मुझे लगता है कि ये दोनों घटना एक जैसी ही है। उत्तराखंड में दिवाली से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा शानदार तोहफा, सीएम धामी ने दिलाया भरोसा। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि दीपावली से पहले उन्हें शानदार तोहफा दिया जाएगा। कहा कि सरकार ने आशा, ग्राम प्रधान, उपनल कर्मचारियों का मानदेय पहले ही बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को भत्ता व गोल्डन कार्ड की भी सुविधा दी है। कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल योजना लागू की है और इसके अलावा धामी ने रवाई में आधुनिक मंडी और बंगाल में कोल्ड स्टोर खोलने की ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को भी पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नौगांव धारी में आयोजित कार्यक्रम में 9.34 करोड़ की लागत से नौगांव में आधुनिक मंडी के निर्माण और आरा कोट में 12.95 करोड़ की लागत से कोल्ड स्टोर के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर हुआ अयोध्या कैंट। जी हम बात करेंगे, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब अयोध्या कैंट होगा। आधिकारिक तौर पर इसका अधिसूचना जारी हो गया है और बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कुछ दिन पहले ही फैजाबाद स्टेशन को अयोध्या कैंट नाम देने का ऐलान कर दिया गया था और अब आधिकारिक तौर पर इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और इसी के साथ फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट हो गया है। जी आपको बता दें कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण की ओर से इस अधिसूचना को जारी कर दी गई है और अधिसूचना के प्रति सभी संबंधित विभागों को भेज दी गई है और इससे पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की घोषणा हुई थी कि फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट होगा। विराट कोहली के लिए राहुल गांधी का ट्वीट, कहा इन नफरती लोगों को माफ करें, टीम को संभालें। जी हम बात करें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली के प्रति अपना समर्थन जताया है। विराट कोहली को T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हार के बाद सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। विराट की पत्नी अनुष्का और बेटी को लेकर भी सोशल मीडिया पर भद्दी टिप्पणियां की गई हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने विराट को कहा कि वो इन नफरती लोगों पर ध्यान न दें। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मंगलवार को शाम की एक ट्वीट में लिखा कि प्रिय विराट, ये लोग नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि कोई उन्हें प्यार नहीं देता, इन्हें माफ कर दीजिए, आप टीम पर अपना ध्यान लगाइए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इससे पहले गेंदबाज मोहम्मद शमी के प्रति भी अपना समर्थन जताया था। पाकिस्तान से हार के बाद बीते हफ्ते सोशल मीडिया पर शमी को मुसलमान होने के चलते निशाना बनाया गया था और इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए शमी को समर्थन दिया था। तब भी उन्होंने शमी को कहा था कि गंदी भाषा लिखने वाले लोगों को माफ कर दें, उन्हें प्यार नहीं मिला और वो सिर्फ नफरत समझते हैं। हिमाचल हरियाणा में बीजेपी की हार पर राकेश टिकैत का तंज, कहा किसानों की दवा असर कर रही है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीटें जीत ली और इसके साथ ही हरियाणा में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और अब उत्तर भारत के इन दो राज्यों में मिली बीजेपी को मिली करारी हार पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज कसा है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों द्वारा तैयार की गई दवाई का असर भाजपा पर पूरी तरह से हो रहा है। उपचुनाव में हरियाणा, राजस्थान और हिमालय में बीजेपी को मिली करारी हार पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों द्वारा तैयार की गई दवाई का असर भाजपा पर पूरी तरह से हो रहा है। समय जरूर लगेगा लेकिन 2022 तक स्वास्थ्य लाभ होगा। बता दें कि राकेश टिकैत लगातार अपनी महापंचायतों में बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करते रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी को चेतावनी भी देते रहे हैं। शराबबंदी को लेकर फिर से सख्त हुए सीएम नीतीश कुमार, सख्ती बढ़ाने के दिए निर्देश। जी आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब को लेकर अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि शराब के धंधेबाजों पर सख्ती और बढ़ेगी। उन्होंने शराब पीने वालों के साथ साथ शराब के धंधे में शामिल होने पर भी नकेल कसने का निर्देश दिए हैं और इस दौरान उन्होंने बताया कि एक दिन भी धंधेबाजों को छोड़ा नहीं जा रहा है, मैं खुद इसकी जानकारी लेता हूं, जल्द ही पूरे मामले की मैं समीक्षा करूंगा। साथ ही अधिकारियों को शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को सोशल मीडिया और दूसरे प्रचार तंत्रों के माध्यम से सचेत और जागरूक करने पर भी जोर दिया। दरअसल बीते सोमवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और वे प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से हुई लोगों की मौत के बारे में कहा कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि गड़बड़ चीज कोई पिएगा तो इसी तरह से होगा, जहां शराब की बंदी नहीं है वहां भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हम ऐसे लोगों से अपील करेंगे कि शराब मत पीजिए, ये उनके हित के खिलाफ है। ऐसे में सीएम ने कहा कि हमने महिलाओं की मांग पर शराब बंदी लागू की है, वहीं प्रदेश में ज्यादातर लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग शराब का सेवन करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ये दावा करना कि सब ठीक ही हो जाएगा ये कैसे होगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।